हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बनाने वाले हैं TNT कैनन्स। तो आज मैं आपको पांच बिल्ड बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चार बॉक्सेस रखे हुए हैं। खैर, हम लोग पांच ही बनाने वाले हैं। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको पहले टाइमलाइन दिखा देता हूँ। अगर किसी को स्पेसिफिक बिल्ड बनानी है तो वो उस टाइम पे जाके देख सकता है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी पहली कैनन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कैनन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये है सबसे पहले एक ब्लॉक अपनी चॉइस का। मैंने आयरन ब्लॉक लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेम स्लैब के लिए कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। एक वाटर बकेट, रेडस्टोन डस्ट, एक बटन, एक रेडस्टोन टॉर्च और TNT। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे डिस्पेंसर तो है ही नहीं, चलो पहले मैं डिस्पेंसर ले लेता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही बोलिए, कहाँ है यार डिस्पेंसर? अच्छा, पहले नंबर पे ही है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डिस्पेंसर और इसको रखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे। सेकंड डिस्पेंसर यहाँ पे, एक इसके ऊपर जाएगा, एक इसके ऊपर। अब इसको हम लोग बैग में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जाएगी एक रेस्टोरेंट डस्ट। अभी चारों डिस्पेंसर कनेक्ट हो गए। अब हम लोग इसको बस कवर कर देंगे, 1 2 3 1 2। यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पे आएगा एक डिस्पेंसर और यहाँ पे आएगी एक स्लैब। इस स्लैब पे हम लोग का TNT आने वाला है जो लॉन्च होगा। अब हम लोग इसमें भर देते हैं पानी, पहले एक रेडस्टोन टॉर्च लगा देते हैं और ये इसमें जाएगा वाटर बकेट से पानी। और ये कैनन रेडी हो गई है, था कि नहीं सिंपल। अब हम लोग पहले सारे डिस्पेंसर्स में TNT डाल देते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बटन और ये लॉन्च करने के लिए रेडी है। तो एक बार ट्राई करते हैं। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, हम लोग मेन डिस्पेंसर में TNT डालना तो भूल ही गया यार। तो इसमें डालेंगे TNT। अब ट्राई करते हैं, अब होपफुली और कोई गलती ना हो। और ये बटन, नाइस। एक बार और ट्राई करते हैं, ऊपर से दिखा देता हूँ एक बार, बेहतरीन। तो ये हम लोग की पहली कैनन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। बस इसकी प्रॉब्लम ये कि इसकी रेंज थोड़ी कम है। तो इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट कैनन में सॉल्व कर लेंगे। तो ये थी हम लोग की फर्स्ट कैनन। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। तो चलो अब सेकंड बिल्ड के लिए देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। देखो, सेकंड बिल्ड भी बहुत ईजी होने वाला है और इसमें यूज जो मटेरियल होंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें हम लोग को चाहिएंगे ऑर्डिनरी ब्लॉक्स, कोई भी हो सकते हैं, TNT, वाटर, डिस्पेंसर, टॉर्च, बटन, रेडस्टोन डस्ट। इसमें सिर्फ दो नई चीज़ें चाहिए, एक फेंस चाहिए होगी, कोई भी हो सकती है, और एक प्लेशर प्लेट। तो स्टार्ट करते हैं। ये बिल्ड तो उससे भी ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे 3x3 का प्लेटफॉर्म बना लेंगे। यहाँ पे आएगा एक डिस्पेंसर डायरेक्शन में, एक इस तरफ। अरे, और एक इस तरफ। तीनों डायरेक्शन में डिस्पेंसर आ गया। अब हम तीनों को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, एक रेडस्टोन डस्ट, एक रेडस्टोन डस्ट यहाँ पे, और अब इस के ऊपर जाएगी एक टॉर्च।
उस टॉर्च के ऊपर जाएगा एक और डिस्पेंसर बीच में। अब हम लोग इस ब्लॉक को हटा लेते हैं और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग TNT स्टैंड। उसके लिए हम लोग को रखना है एक फेंस, और फेंस के ऊपर आएगी प्रेशर प्लेट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं क्योंकि TNT एक्चुअली बाहर आ जाता है कभी कभार, तो दो लेयर हम लोग इसको कवर कर देंगे। वैसे एक काफ़ी है बट स्टिल कोई बात नहीं। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग को इसमें सिर्फ डालना है पानी, हम लोग की वाटर बकेट से जाएगा पानी, और अब हम लोग सारे डिस्पेंसर्स में TNT डालेंगे। पहले एक यहाँ पर एक बटन लगा लेता हूँ, ठीक है। अब सारे डिस्पेंसर्स में हम लोग को TNT डालना है और हम लोग का कैनन तैयार हो गया। उसकी रेंज पिछले वाली से ज़्यादा होने वाली है, तो पहले एक बार TNT डाल देता हूँ। तो अब सारे डिस्पेंसर्स में TNT डल गया है, तो अब इसको ट्राई करते हैं। और ये बहुत सही, देख तो इसकी रेंज पहले वाली कैनन से ज़्यादा है, पर TNT ग्राउंड तक नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर इसको कोई कासल वासल उड़ाना हो तो इससे उड़ा सकते हैं। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ग्रेट, तो ये भी बहुत ही सिंपल बिल्ड थी, इसमें कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ था नहीं। पहले वाली से इसकी रेंज भी इम्प्रूव हो गई। तो हमने अभी जो दो कैनन देखी, दोनों में एक ही प्रॉब्लम है कि अगर एक बार आपने कैनन बना दिया तो फिर वो उसी डायरेक्शन में शूट करेगी। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो फिर आपको रीबिल्ट ही करना पड़ेगा बेसिकली कैनन को। तो अब जो मैं थर्ड कैनन बताने वाला हूँ, इसमें हम किसी भी डायरेक्शन में शूट कर सकते हैं। तो इसका बिल्ड भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है इसका बिल्ड भी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। मटेरियल तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है, वही TNT, वाटर डिस्पेंसर, आयरन, टॉर्च, बटन, रेडस्टोन, फैंस और प्रेशर प्लेट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लॉक्स लेंगे और इनको एल शेप में अरेंज कर लेंगे चारों डायरेक्शन में। अभी चारों डायरेक्शन में रखने के बाद कुछ ऐसा सा दिखेगा ये। अभी जो भी बीच में गैप बची है उसमें हम लोग डालेंगे डिस्पेंसर, जिनको इनवर्ट फेसिंग होगी। और अब हम इस पूरे सर्किट को कनेक्ट कर देंगे। तो रेडस्टोन, रेडस्टोन, अब हम लोग यहाँ पे बीच वाले डिस्पेंसर, जिसको एक डिस्पेंसर छोड़ देना है, अब हम डिस्पेंसर रखेंगे ब्लॉक, आयरन ब्लॉक, क्या दिक्कत है कभी भी एक ब्लॉक रखने में कितना दिमाग खराब हो जाता है। और उसके ऊपर आएगी एक टॉर्च जो कि हम लोग की सिस्टम को पूरा पावर करेगी। इसके ऊपर हम लोग एक टॉर्च, और इसके आगे आएगा एक डिस्पेंसर। और अब हम लोग सेंटर में जो भी हम लोग का TNT आने वाला है उसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। डे टाइम कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी। तब हम लोग सेंटर में एक फेंस रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे प्रेशर प्लेट। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिसपे हम लोग का लॉन्च होने वाला TNT आएगा। और अब हम जो बीच में जो एरिया है उसमें हम लोग डाल देंगे पानी। अब इसमें वाटर फ्लो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो अभी मैं बता दूंगा आगे। अब हम लोग सब में TNT डाल लेते हैं। यहाँ पे जाएगा बटन, इसमें TNT डाला हुआ है, इसमें भी डाला हुआ है।
तो अब हमारे सारे डिस्पेंसर्स में TNT आ गया है और हमारी कैन रेडी है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ये मरेगा। मरा, कहाँ गया TNT? कोई एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। Awesome. एक बार और ट्राई करते हैं। चढ़ तू भी ऊपर, चढ़ते हैं, कभी उड़ाऊंगा सर। अब अगर हम लोगों को इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो बहुत इजी, सिंपली हम लोग एक बकेट लेंगे और एंटी बकेट और वाटर फ्लो को चेंज कर देंगे। तो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का TNT जाए। तू बीच में आ जा, तू चढ़ जाओ उससे। तो हम लोग ने यहाँ से वाटर निकाला और ये इस तरफ डाल दिया। तो अब हम लोग का जो TNT का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। ट्राई करते हैं एक बार। तो ऐसा हम लोग तीन डायरेक्शन में कर सकते हैं। अगर वो पीछे नहीं कर सकते ऑब्वियसली तो डिस्पेंसर ही उड़ जाएगा। तो ये हम लोग की मल्टी डायरेक्शन कैनन हो गई। तो चलो फोर कैनन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग ने तीन कैनन्स बनाई थी, वो एक बार में एक ही TNT लॉन्च कर रही थी। लेकिन अब जो मैं फोर्थ कैनन बनाने वाला हूँ वो एक साथ चारों डायरेक्शन में चार TNT लॉन्च कर सकती है। इसका बिल्ड भी ईजी है, पहले वालों से थोड़ी सी बड़ी है बट स्टिल। तो एक बार हम लोग इसके मटेरियल देख लेते हैं। एक सेकेंड, मटेरियल भी इसकी सेम रहने वाले हैं, वही बटन, प्रेशर प्लेट, वाटर डिस्पेंसर, एडसन डस्ट, टॉर्च और आयरन ब्लॉक, सेम वही मटेरियल्स हैं। अब इसको हम लोग को ग्राउंड से कम 5 ब्लॉक ऊपर बनानी है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको 5 ब्लॉक हाइट पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक 3x3 का प्लेटफॉर्म और फिर इसको चारों साइड से एक्सटेंड करके उसमें प्रेशर प्लेट लगा देंगे। मैं वो बना देता हूँ, बोल के समझाना थोड़ा मुश्किल है। 1, 2, 3 पहले इसको नीचे से हटा लेते हैं। उसके तीनों चारों साइड से एक्सटेंड करेंगे, एक ब्लॉक में आएगा। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें जो आउटर एजेस है जो हम लोग ने बाहर निकाल रखे हैं उस पर हम लोग प्रेशर प्लेट लगाएंगे। अब जो सेंटर के चारों ब्लॉक्स दिख रहे हैं इन चारों पे हम लोग को एक एक ब्लॉक प्लेस करना है। एक यहाँ पे, 1, 2 और अब इन चारों के ऊपर एक एक डिस्पेंसर प्लेस करेंगे। डे टाइम कर लेता हूँ थोड़ा विजिबिलिटी। तो अब यहाँ पे एक डिस्पेंसर आएगा, सारे डिस्पेंसर इनवर्ट फेसिंग होने चाहिए। अब हम नीचे वाले ब्लॉक्स को हटा लेंगे। तो अब ये पूरा सेटअप में एक बार फिर से बाहर से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इन चारों डिस्पेंसर्स को कनेक्ट कर देंगे रेस्टोरेंट 10 से। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब हम लोग को एक ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना है, इसके आसपास दोनों तरफ रेडस्टोन शायद, हाँ एक ब्लॉक इसके ऊपर आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग इस ब्लॉक के दोनों तरफ एक एक रेडस्टोन टॉर्च पुट करेंगे दोनों साइड को पावर करने के लिए। सिमिलरली इस तरफ भी यही करना है, 1 ब्लॉक इसको रिमूव करेंगे, एक रेडस्टोन टॉर्च, एक रेडस्टोन टॉर्च। अब हम लोग को एक एक डिस्पेंसर बाहर लगाना है और इसका जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो एक डिस्पेंसर हम लोग यहाँ लगाएंगे, इन डिस्पेंसर से वो TNT निकलेगा जो लॉन्च होने वाला है। तो इन लोग का हम लोग, हाँ एक यहाँ पे,
तो उसको एक यहाँ पे लगाएंगे, सिमिलरली एक इस तरफ, चारों तरफ एक एक लगाना है, एक यहाँ पे एक तो लगा हुआ है, इधर रह गया, एक इस तरफ रह गया, एक यहाँ पे लगे। तो अब हम लोग की कैनन ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, अब सिर्फ हम लोग को बीच में एक ब्लॉक लगा के इनको कनेक्ट करना है। तो बीच में एक ब्लॉक लगेगा, अरे ये ब्लॉक कुछ ऐसा लगेगा जो चारों डिस्पेंसर से कनेक्ट होगा, ये ब्लॉक चारों डिस्पेंसर से कनेक्ट है, तो इस पे हम लोग अब अपना बटन दे सकते हैं। तो इस पे हम लोग अपना इनपुट देंगे, अभी कैनन फिनिश हो गई है, अब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ पानी डालना है। और यहाँ पे वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को चारों कॉर्नर्स पे पानी डालना है ताकि जो वाटर फ्लो वो इन्वर्ट हो। अगर पानी बाहर एक तरफ आया तो आपकी TNT पानी के फ्लो के साथ बाहर आ जाएंगे और पूरा सिस्टम उड़ जाएगा। अब इस ब्लॉक को दोबारा से लगा देंगे और ये हम लोग कैनन हो गई रेडी ब्लास्ट करने के लिए। यहाँ पर बटन लगा देता हूँ दोबारा, अब सिर्फ सारे डिस्पेंसर्स में TNT डालना बाकी है, कैनन हम लोग की रेडी है। तो मैं TNT डाल देता हूँ एक बार, तो अब मैंने सारे डिस्पेंसर्स में TNT डाल दिया है। अब इसको लॉन्च करके देखते हैं, प्लीज 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 ब्लास्ट मत होना। मैंने जैसे पहले भी बोला था, इसमें वाटर फ्लो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जैसे साइड में दिख ही रहा होगा मेरी एक सिस्टम हो चुका है ऑलरेडी। तो वाटर फ्लो का बहुत ध्यान रखना है, वाटर फ्लो इनवर्ट होना चाहिए। तो मैंने इसको दोबारा से बनाया है, सेम वही प्रोसेस है। अब एक बार इसको लॉन्च करके देखते हैं, सही। चलो फाइनली दो ट्राई, मैंने इसको बहुत टाइम लगा। तो इसमें चारों डायरेक्शन में हम लोग का एक एक TNT जाएगा, तो इसको आप अपने कासल के ऊपर या कहीं भी प्लेस कर सकते हो, एक बार में चारों तरफ अटैक कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको करके देखते हैं, नाइस। तो ये हम लोग की हो गई फोर्थ कैनन चारों डायरेक्शन में एक साथ अटैक करने वाली। तो चलो फाइनली हम लोग लास्ट कैनन पे जाने वाले हैं जो एक साथ 12 TNT लॉन्च कर सकती है। तो चलो देखते हैं। अब इस कैनन का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोग पिस्टन और स्लाइम यूज करने वाले हैं, जैसे ये तोड़ रहा है ना बिल्कुल सेम वैसे ही। तो इसके मटेरियल देख लेते हैं, इसके लिए हम लोग को स्टिकी पिस्टन, स्लाइम ब्लॉक, एक स्लैब कोई भी हो सकती है, एक पिस्टन रिपीटर, TNT डिस्पेंसर, आयरन ब्लॉक्स, रेडस्टोन डस्ट और बटन। ब्लॉक अगेन कोई भी हो सकता है, इसमें भी कोई वो ज़रूरी नहीं आयरन ही होना। अब इसका बिल्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एटलीस्ट मेरे को तो लगा था, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, पर पता नहीं मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक होल कर लेना, इसमें हम लोग रखेंगे अपना स्टिकी पिस्टन, इसके ऊपर रखेंगे स्लाइम ब्लॉक और इसके बगल में एक आयरन ब्लॉक। अब एक आयरन ब्लॉक आएगा इस तरफ, और इसके ऊपर एक आएगा डिस्पेंसर, अपन इसको हटा लेंगे। अब यहाँ पे एक आयरन ब्लॉक आएगा जो इन तीनों को कनेक्ट करेगा, जो कि इस तरफ आएगा। अब एक आयरन ब्लॉक यहाँ पर रखेंगे और इन दोनों के बीच में आनी चाहिए एक स्लैब, यहाँ पर स्लैब, के ऊपर एक ब्लॉक हो जाएगा, देन यहाँ पे एक स्लैब, अब इसके ऊपर आएगा एक ब्लॉक और, एक स्लैब,
तो ये ऑलमोस्ट बिल्ड कंप्लीट हो गया है, अब इसको सिर्फ कनेक्ट करना है। तो हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा एक रेडस्टोन रिपीटर और एक रिपीटर आएगा इस तरफ। एक रिपीटर यहाँ पे आएगा जो कि ब्लॉक और डिस्पेंसर को कनेक्ट करेगा। इसको हम लोग कर देंगे फोर टिक पे, फोर यहाँ पे एक बटन लगा लेते हैं और एक पिस्टन आएगा ऊपर जो कि हम लोग की टीएनटी को थ्रो करेगा। एक पिस्टन आएगा यहाँ पे और इसके ऊपर एक स्लाइम ब्लॉक। तो ये कैनन हम लोग की रेडी हो गई है, एक बार इसको ट्राई करके देख लेता हूँ। सही चल रही है, चलो फाइनली थर्ड अटेम्प्ट। अब हम लोग इस डिस्पेंसर में डालेंगे टीएनटी। अब एक बार लॉन्च करके देख लेते हैं। सही, जैसे कि मैंने बोला था ये कैनन एक बार में 12 TNT शॉट कर सकती है। अब हम लोग को पता है एक पिस्टन एक बार में 12 ब्लॉक्स को मूव कर सकता है, तो अब हम लोग उसी को यूज़ करेंगे और इन दोनों पिस्टन के साथ हम लोग 12 ब्लॉक्स तक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, वैसे अगर इसमें हम लोग 12 ब्लॉक तक भी लगा देंगे तो वो मूव करेंगे। मैं यहाँ पे 5-6 लगाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं भी पहली बार ही बना रहा हूँ तो थोड़ा सा, तो जैसा कि ये दिख रहा है मैंने 6 ब्लॉक लगाए हैं, सारे एक साथ निकल रहे हैं। सेम हम लोग ऊपर भी करेंगे, इसमें भी हम लोग 6 ब्लॉक लगा देते हैं। हम लोग ने जितने ब्लॉक्स लगाए हैं उतने हम लोग डिस्पेंसर भी लगा देंगे ताकि हर डिस्पेंसर से TNT निकलेगा। तो मैंने सारे ब्लॉक्स के साथ एक एक डिस्पेंसर लगा दिया है और अब इन सब में मैं TNT डाल देता हूँ। अब एक बार लॉन्च करके देखते हैं। अरे दो ही निकले, अच्छा इन सारे डिस्पेंसर को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कम कर देता हूँ। अभी सारे डिस्पेंसर कनेक्ट हो गए, अब काम करना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार मैं चला के देखता हूँ। ओ भाई साहब एक नंबर। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बेहतरीन। तो यहाँ पे मैंने 6 ब्लॉक्स लगाए हैं, इसे 12 ब्लॉक्स तक लगा सकते हो और 12 TNT एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। तो ये थी हम लोगों की पांचों कैनन्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब जाने से पहले एक बड़ा धमाका तो थोड़ा सा बनता ही है। यहाँ पर मैं थोड़ी TNT लगा देता हूँ। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर आपको ऐसे और भी बहुत सारे बिल्ड्स देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।